अस्सलाम वालेकुम मैं हूं बाबर सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो प्यारे दोस्तों आज की जो वीडियो हो वो थंबनेल देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आप वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स ख़रीद कर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिलेंगे आपके चैनल को क्या नुकसान होगा वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स ख़रीदने से तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप नोटिफाई रहें तो प्यारे दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जल्दी में आके बहुत मतलब एडवांस अपना फैसला कर देते हैं कि यार उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कोई वाच टाइम ख़रीद लेता है सब्सक्राइबर्स ख़रीद लेते हैं वो एक मैं आपको पहले एक बात समझा था चलूँ जो YouTube है YouTube को इन चीज़ों का बिल्कुल पता होता है आप ऑर्गेनिक वीवस ले रहे हैं ऑर्गेनिक अर्गेनि वाइज टाइम ले रहे हैं या इनआर्गेनिक ले रहे हैं वो YouTube के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है पहली बात तो ये कि अगर आपका इनआर्गेनिक जो वाइज टाइम आता है मतलब वो एक पी से आ रहा है दस पी से आ रहा है बीस से वो उनको पता होता है भाई एक नेटवर्क के ज़रिए आ रहा है जो कि इनऑर्गेनिक है मतलब कि आप आपका जो चैनल है वो किसी भी टाइम उस पर वो वाइट टाइम जो है रिमूव हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे यूट्यूब को इन चीज़ों को पता चलता है जब आप अपना चैनल मैं आपको पहली बात ये बताता चलूँ कि आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा आपके सब्सक्राइबर भी होंगे आपका जो इनऑर्गेनिक जो वाइस टाइम है वो भी आपका जो है आ, वो हो जाएगा आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन उसमें एक मसला है वो मसला ये है कि जब यूट्यूब आपकी वीडियोस को देखेगा लेट्स सपोज आपने वाइट टाइम ख़रीद लिया ठीक है आपने सब्सक्राइबर्स भी ख़रीद लिए लेकिन जब आपका चैनल मोनिटाइज हुआ तो आपने जाहिर है उसके बाद वाइट टाइम तो नहीं खरीदना ना आपका वाइस टाइम रुक जाएगा एक जगह पे तो यूट्यूब पहले नोटिस लेगा यार इस बंदे का पहले वाइज टाइम इस तरह ऊपर जा रहा था एक दिन में वन के वन पॉइंट फाइव के सब्सक्राइबर रोज़ के दो सौ तीन सौ अभी क्यों नहीं आ रहे हैं क्या वजह है जब वो उस पर एक्शन लेंगे जब देखेंगे तो वहाँ पर उनको पता चल जाएगा ये इनआरगेनिक है तो आपका जो वॉच टाइम है वो डिक्रीज़ करके बिल्कुल वो ले आएंगे कितने जो आपका रियल जो होगा दस घंटे बीस सौ घंटे जितना भी होगा उस पर ले आएंगे चैनल आपको मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन उस मोनेटाइजेशन का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि आपके जो चैनल है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा उस पर व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे चैनल जो यूट्यूब है वो उसको इलीगल करार दे के एक साइड पर रख देगा जैसे आपका पहले इंप्रेशन रेट आता था सौ इंप्रेशन रेट आता था दो सौ आता था एक हज़ार आता था दो हज़ार आता था मतलब आपकी एक वीडियोस पर लेकिन जब YouTube को इस चीज़ का पता चलेगा आपकी वीडियोस एक दो बंदों के पास भी नहीं जाएगी जिसको आप खुद भेजेंगे सिर्फ वही बंदा आपकी वीडियो देख सकता है क्योंकि आपका जब चैनल डेड हो गया तो उस पर इंप्रेशन रेट जो है वो बिल्कुल गिर जाते हैं सी टी आर गिर जाता है चैनल का वीडियो का सी टी आर गिर जाता है तो उसका कोई फ़ायदा खास बेनिफिट नहीं है उसके नुकसान ही हैं उसके बाद भी अगर आप मेहनत करेंगे तो प्यारे दोस्तों फिर उस चीज़ में कोई मज़ा नहीं रहता जब आपका चैनल डेड हो जाए ठीक है फिर फ़ायदा नहीं है इतने तो पैसे दे के उसको मोनेटाइज करने का क्योंकि मोनेटाइज इंसान पैसे कमाने के लिए करता है लेकिन जब उस पर ही नहीं आ रहे हैं तो कैसा मोनेटाइज क्या फ़ायदा उस मोनेटाइजेशन का सिर्फ पैसे बर्बाद करने वाली बात है मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अपना जो एक चैनल है उसको अपना बेस्ट टाइम दें उसको ऑरिजिनल तरीके से प्रमोट करें औरजिनल सब्सक्राइबर लाएँ औरिजिनल वॉच टाइम लाएँ ताकि आप अर्निंग भी कर सकें अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने चैनल मोनिटाइज़ कर लिया लेकिन आपको साल दो दो साल भी सकते हैं पहली अर्निंग आने में तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप साल मेहनत करके दूसरा चैनल मोनेटाइज कर लें ना इतनी मेहनत की ज़रूरत है ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है ना कोई खर्चा है आपके जो पैसे आएंगे वो तो ज़ाहिर है आपके आएंगे लेकिन साल दो साल बाद पैसे आने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना तो उस पर अर्निंग जो है बहुत कम होगी आपको पता है जैसा कि एक हज़ार या नया चैनल होता है उस पर दो दो हज़ार या डेढ़ हज़ार वी पे वन पॉइंट फाइव के जब आपके व्यूज़ होते हैं तो एक डॉलर आता है तो आप खुद हिसाब लगाएं अगर आपकी वीडियो पर सात आठ व्यूज़ आ रहे हैं चार पाँच व्यूज़ आ रहे हैं तो किस तरह वो तो आप एक महीना लगा के एक डॉलर भी अपना नहीं पूरा कर सकते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं वो लें ऑर्गेनिक वाई टाइम लें ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स लें जो आपकी वीडियो को देख कर आपको सब्सक्राइबर करें सब्सक्राइब करें अपनी वीडियो जिस तरह बनाएं कि आपकी ऑडियंस जो है वो एक मुकम्मल एक कम्यूनिटी बन जाए एक ऑडियंस बन जाए जो आपकी वीडियो को देखने वाली हो उनको पता हो यार इस बंदे की वीडियोज़ अच्छी हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं तो ये वाई टाइम और सब्सक्राइबर जो ख़रीदने के चक्कर में ना पड़े बेशक चैनल में मोनीटाइज़ हो जाएगा लेकिन उस मोनीटाइजेशन का को कोई मकसद नहीं है तो प्यारे दोस्तों अगर आपने भी ये गलती की है सब्सक्राइबर्स ख़रीदें या वाई टाइम ख़रीदा है तो अगर आप अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि अगली नेक्स्ट वीडियो आप इस पर बताएं मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेड चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं वाइट टाइम या सब्सक्राइबर ख़रीदे हुए चैनल को आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं तो प्यारे दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से हमारी मोटिवेशन होती है और हम इस तरह की मज़ीदीद वीडियो बनाते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ असल